हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। बेसिकली आज का मुद्दा क्या है, छत्तीसगढ़ में आरक्षण का दांव पे इतना ज़्यादा गरमा रहा है ना कि यहाँ पर जितने भी हमारे युवा भाई हैं जो आरक्षण के कारण कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण आज समस्त युवा एक साथ मिलकर एक महा आंदोलन के और अग्रसर हो रहे हैं, जिसे सरकार को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से आग्रह के माध्यम से युवाओं को अपने बात उन तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। जब तक हम सभी वर्ग एक साथ खड़े नहीं होंगे तब तक ये संभव ही नहीं है कि आरक्षण का मसला क्लियर हो जाए। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय दिया, 58% को असंवैधानिक बताते हुए 50% को संवैधानिक बताया। फिर राज्य सरकार ने विधानसभा में 76% को सर्वसम्मति से पारित किया। तो कहीं ना कहीं ठीक है, ये जो आरक्षण का मसला है 58, 50, 76, जब हाईकोर्ट को लग रहा है कि 58 असंवैधानिक है, तो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार कहीं ना कहीं 50% के आधार में अगर भर्ती भी हो जाती है ना, तो किसी को ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि जो हमारे ST समुदाय के जो जनजाति समुदाय के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं आरक्षण के कारण थोड़ा कुछ परसेंटेज उन लोग का नीचे जा रहा है। तो अभी सरकार से हम विनम्र हो गए, हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करते हैं कि भाई अगर जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता या जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती, आप 50% के आरक्षण को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके इक्वल जो बाकी वर्ग जैसे ST SC OBC वर्ग को एक अच्छे माध्यम से उनको डिस्पैच कर दे आरक्षण, ताकि वर्तमान में कम से कम भर्तियत हो जाए और इन फ्यूचर जब लगे कि हाँ आरक्षण का प्रावधान अकॉर्डिंग टू जनसंख्या के आधार पर उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है तो फिर उनको बढ़ा दें, चाहे OBC वर्ग रहे, ST वर्ग रहे, SC वर्ग रहे। लेकिन अभी के परिस्थिति के अनुसार कहीं ना कहीं राज्य सरकार को समझना होगा कि भर्ती जल्दी से जल्दी करे। अगर ये मसला खींचते चले जाएगा तो कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है, साथ ही उन कर्मचारियों के साथ जिनका पदोन्नति रुका हुआ है, वो भी तो आरक्षण के कारण फंसा हुआ है। एंट्रेंस एग्जाम चाहे JEE रहे, PAT रहे, PAT रहे, उनका भी एग्जाम बिना आरक्षण रोस्टर के नहीं हो सकता, तो उनके लिए भी नुकसान है। 12वीं के बाद तो लोग सोचते ही है ना कि एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करें। अच्छा, अब आरक्षण को मान लो भाई, बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है कि हमारा नुकसान हो रहा है। एक बात बताइए, अगर आरक्षण के कारण भर्ती ही नहीं आई तो सिर्फ आपका नुकसान होगा क्या? सबका नुकसान होने वाला है। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कृपया करके ये मसला को अभी अलग अलग वर्गों में ना बांट के एकजुट होकर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। कोई भी अपने आप को कम आंकलित नहीं, आंकलन नहीं कर सकते भाई। आपका जो एजुकेशन है, अगर आप नौकरी प्राप्त करते हैं तो ये आपकी कैटेगरी के आधार पर नहीं मिलता, आपकी योग्यता के आधार पर मिलता है। हाँ, थोड़ा बहुत फायदा होगा नो डाउट, और थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा आरक्षण कम होने से। लेकिन अगर उसके अलावा छोड़ दूँ ना, अगर आप पे क्वालिटी है तो आप 76% में भी नौकरी लेके बैठेंगे, 58 में भी लेके बैठेंगे और 50 में भी लेके बैठेंगे। लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी ही नहीं है ना, तो आरक्षण कितना भी हो जाए कुछ नहीं कर सकते। EWS को अभी आरक्षण देने का मुझे लगता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर जब लगे तो बिल्कुल दीजिए छत्तीसगढ़ में, लेकिन एट प्रेजेंट बिल्कुल। ताकि ये इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी लोग इसको अन्यथा ना ले, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आरक्षण के कारण जो जितने भी भर्ती रुकी हुई है वो तो कम से कम क्लियर हो। राज्य सरकार से और समस्त युवाओं से अनुरोध है कि कृपया करके एक साथ होके बढ़े। ये जब 1909-1900 जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, तो बांटो और राज करवा लेनी थी 1905 के आसपास चल रहा था, जो भारत को भारतीयों से बांट दो और राज करो, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल ना, यही तो था क्या 1909 में? तो ये सारी चीजें अब ना हो यार, कि जो हम लोग बैठ के एक साथ विचार करते थे आज अपने ही लोगों में बट के रह गए। भाई तुम जनरल हो, तुम OBC हो, तुम ST हो, तुम SC हो, अल्टीमेट सबको नुकसान हो रहा है इससे। हम सबको समझना पड़ेगा कि इस आरक्षण के कारण हम अपने आपसी भाईचारे को खत्म कर रहे हैं। एट प्रेजेंट कहीं ना कहीं जब हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 50% के आधार पर भर्तियां ले रहे हैं, तो कम से कम अभी के परिप्रेक्ष्य में ये भर्तियां जो रुकी हुई हैं या जिसका रिजल्ट आना है, आप इसके आधार में दें। जब लगे कि इन फ्यूचर में इसको बढ़ाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि नहीं ठीक है आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही है, तो 76% लागू कर दो। अगर ये भी नहीं हो रहा तो 58 लागू कर दो। लेकिन एट प्रेजेंट में सिर्फ ये 58 और 76 के कारण आरक्षण का मसला रुका हुआ है, तो 50% में ही ले लेना। टॉप करेंगे तो आप UR की कैटेगरी में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं फायदा तो तब भी आपको है। भाइयों से अनुरोध है कि ये जो छत्तीसगढ़ में महा आंदोलन चल रहा है ना, उसको पूरा करें। ऐसा नहीं कि एक सामान्य वर्ग के लोगों को भी इससे समस्या है। अब मान लो कोई OBC वर्ग का व्यक्ति, मेरा भाई कोई भी, 90% दोस्त वही होता है,
तैयारी करते करते काफी समय हो जाता है, मैच कुछ साल बच जा रहा है कि अब भैया अब हो गया तैयारी, अब नौकरी लग जाएगा, फिर आगे अपने जीवन का निर्वहन करेंगे। आरक्षण के मसले के कारण, आरक्षण के बीच के कारण सारी चीज़ें खत्म हो गई। मैच 6-7 महीने हो गए, ना तो कोई वैकेंसी आई है, ना तो कोई रिजल्ट आया है। आपको याद होगा अभी JEE का एग्जाम हुआ था व्यापम के द्वारा, रिजल्ट आया, टॉपर्स की लिस्ट जारी हुई, लेकिन आरक्षण के कारण कोई ज्वाइनिंग नहीं मिला। 2021 में प्रीलिम्स दिलाए, मेंस दिलाए, इंटरव्यू दिलाए, आरक्षण के कारण वो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं लिए, क्योंकि रिजल्ट अल्टीमेट फाइनल रिजल्ट नहीं आया, उनका रिजल्ट नहीं आया। ACF का इंटरव्यू का रिजल्ट, इंटरव्यू हुआ ही नहीं है, तो रिजल्ट कहाँ आएगा, तो इंटरव्यू नहीं हुआ। ADO का इतना सारा वैकेंसी खाली है, अभी तक उसका कुछ जानकारी नहीं। और ये जो बार बार बोलते हैं कि ADO का पोस्ट आने वाला है, छात्रावास अधीक्षक का पोस्ट आने वाला है, RI का पोस्ट आने वाला है, तो ये अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन जब ग्राउंड स्तर पर देखेंगे तो किसी को कोई आइडिया नहीं है। राज्य सरकार जब तक अनुमोदित ना कर दे, विभाग जब तक अनुमोदन ना कर दे, तब तक कहाँ का वैकेंसी भाई। वैसे तो सहायक शिक्षा के लिए बहुत सारे पोस्ट खाली हैं, भर्ती आ रही है क्या? नहीं आ रही। कारण क्या? आरक्षण। तो कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करना होगा। अच्छा, एक ना एक स्थान है आपको राजनांदगांव में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र, तो वहां के स्क्रीन पर हो जाएगा, समस्त बेरोजगार युवा संगठन राजनांदगांव द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि सरकार से या विधायक महोदय से एक निवेदन किया गया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि श्री विधायक महोदय जी, खुज्जी विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव छत्तीसगढ़, विषय क्या है कि बाकी रुकी हुई भर्ती जो प्रक्रिया है वो 50% आरक्षण का या बिना आरक्षण के, मतलब 50% आरक्षण के आधार पर या बिना आरक्षण के बाकी भर्तियों को संपूर्ण करे या उसके आधार में आगे की प्रक्रिया को जारी करे। महोदय जी, उपरोक्त नियमानुसार लेख है कि गत वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत बड़े प्रतियोगिता परीक्षा, ठीक है, के मतलब जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें भर्ती रुकी हुई है, अतः जिससे हम बेरोजगार भाइयों, हम जो जितने भी हैं बेरोजगार भाई या बहनें, तो वो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं उलेहना का सामना करना पड़ रहा है। मानसिक रूप से कैसे? भर्ती नहीं आ रही, अब हमारा टाइम निकलते जा रहा है, उम्र बढ़ते जा रहा है, तो मानसिक परेशान, इससे सुसाइडल अटेम्प्ट बढ़ेगा। सही समय में कुछ नहीं करना उतना ही पाप है जितना कुछ नहीं करना। जब आपको कुछ समय दिया जाता है, इस समय में आपको सब चीज़ करना होता है, अगर वो समय में वो काम नहीं हुआ ना, तो वो काम हो भी जाए ना, समय निकलने के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो उस वैल्यू के कारण आपको करना पड़ेगा। सामाजिक को लेना, जब आप घर से निकलते हैं तैयारी करने बिलासपुर रायपुर या कहीं भी जाते हैं, और जब वापस घर में आते हैं तो लोग आपको ये कह के चिढ़ाते हैं कि आ गए डिप्टी कलेक्टर, आओ DSP भाई, कैसे हैं सब, बढ़िया? पता है कि कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारा, सब मजाक उड़ा रहे हैं, पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं। उदाहरण देख लेना भाई, पढ़ाई करके मिलेगा क्या तुमको, ऐसी बेरोजगार घूमेगा? ये बोल के सब लोग समाज में कुंती की तरह चीज़ें खराब होते जा रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन हुआ है, और इसमें ये बताया गया क्योंकि हम पिछले 4 वर्षों से प्रतियोगिता परीक्षा जैसे सहायक शिक्षा भर्ती, ADO, RI, पटवारी या बाकी अन्य एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार और प्रशासन को वर्तमान समय के अनुसार हमारे राज्य में 50% आरक्षण में, अगर आप चाहें, इसका सार क्या है, अगर आप चाहें तो 50% आरक्षण में जो बाकी भर्ती, जो आने वाली भर्ती है, उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसको कंटिन्यू बेसिस में चलाइए, ताकि आरक्षण के कारण कोई भी भर्ती अभी ना रुके और हमको हमारे भविष्य का निर्धारण करने में उचित समय मिल सके। तो कहीं ना कहीं ये जो आवेदन है ना, वो बहुत सारे भाइयों के यहाँ पर साइन है, और ये जितने भी भाई हैं ना, समस्त बेरोजगार युवा और युवा संगठन द्वारा, जो राजनांदगांव क्षेत्र से, वैसे 1000 लेटर यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे, 1000 प्रतिवेदन मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो हमारे लिए विडंबना है कि ना, इतना करने के बाद भी हम अपने ही चीजों को बिगाड़ कर रखे हैं। सुधारने का समय आ गया है, पक्ष विपक्ष ना करते हुए। हाँ, यहाँ पर पक्ष और विपक्ष में दोनों दिक्कत क्या पता है, अगर सरकार 50% के आधार पर आरक्षण का प्रावधान को आगे बढ़ा के भर्ती ले तो उनको चुनावी नुकसान है, 76% मिले तो संवैधानिक नुकसान है, 58 मिले तो संवैधानिक नुकसान है। पक्ष के विपक्ष में अगर विपक्ष खड़ा हो जाए तो विपक्ष को नुकसान है, इसी कारण विपक्ष भी शांत। तो यहाँ बस आपको करना है जो करना है, ना पक्ष खड़ा होगा, ना विपक्ष खड़ा होगा, ना कोई दूसरे कोई लोग रहेंगे, किसी को कोई मतलब नहीं आपसे। हम सब मिल के अगर सामने आते हैं, लोगों के साथ जुड़ते हैं, महाआंदोलन जैसे जितने भी हमारे यूट्यूबर से बड़े बड़े, जैसे भूपेंद्र मिश्रा जी, CGPSC, CG व्यापम,
अर्षदीप सर, पटेल ट्यूटोरियल सर, बहुत सारे नाम भी नहीं जानता मैं, सब मिलके प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ में चले, सब मिल के आगे बढ़े ताकि चीज़ें क्लियर हो। आप सभी से अनुरोध है कि साथ चले आंदोलन का, पार्टिसिपेट, अगर आंदोलन हो रहा है अपने हक के लिए तो बिल्कुल खड़ो, बांटो और राज करो वाली नीति खत्म करके एक साथ मिल के जितने भी हमारे भाई हैं, जो बेरोजगार भाई हैं, ये जो शिक्षित बेरोजगार हैं, सब मिलके खड़े हुए ताकि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो सके आपकी पीढ़ी के साथ। और एक आपका इरादा, आपका एक हताश, और छत्तीसगढ़ समस्त, जो छत्तीसगढ़ के समस्त पीड़ित बेरोजगार प्रतिभागी हैं, उन सबको एक साथ मिलके खड़ा होना पड़ेगा। और इससे सरकार कहीं ना कहीं समझेंगी चीज़ों को, समझने में उनका भी है, उनका भी है कि भर्ती लेना है, सब करना है, लेकिन टेक्निकल इश्यूज के कारण ये नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्राउंड स्तर में जाके ये काम करना पड़ेगा। आपके साथ कोई नहीं, सिर्फ आप, और जिनको आप मानते हैं, जैसे हम ठाकुर जी को मानते हैं, ठाकुर जी हमारे साथ, आप जिनको भी मानते हैं सब साथ हैं, लेकिन आपके ऊपर दबाव ये है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ते रहने से कुछ होना नहीं है, भर्ती नहीं आया, नौकरी नहीं मिला तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक ग्रामीण युवा जो अपने घर से निकलता है तैयारी करने के लिए, तो वो इस उद्देश्य से निकलता है, जब वो वापस आए ना तो कुछ करके आए, ताकि वो जो अधिकांश स्टूडेंट आपको कैसे मिलेंगे, बहुत पैसे वाले नहीं रहते, सामान्य वर्ग के रहते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली या बहुत गरीब वर्ग, जिसके पिताजी संचालक हैं, रिक्शा चलाते हैं, टेला टपरी में अपना व्यवसाय करते हैं, कृषक होते हैं, इन्हीं के बच्चे पढ़ने जाते हैं सब चीज़ दाम लगा के। और वो जो पैसा कमाना अलग जगह, पैसा आप कितना भी कमा लें, लेकिन शिक्षा से जो इज्जत मिलता है वो दूसरे चीज़ से कभी नहीं मिलेगा। एक ठेका चलाने वाला जो दिन का 5,000 कमाता है, और एक ऑफिसर जो महीने में लगभग 20-25 हज़ार कमाता है, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, कोई अच्छा प्रतिष्ठित पद में नियुक्त व्यक्ति, तो आप उनको सर बोलेंगे लेकिन उनको सर नहीं बोलेंगे, नाम से गाली दे के बात करेंगे। तो बस यही डिफरेंस है, सब चीज़ पैसा नहीं होता, कई बार सम्मान के कारण लड़ते हैं हम लोग। और शिक्षा से ही सम्मान मिलेगा, शिक्षा से नौकरी मिलेगा, शिक्षा से समाज में इज्जत मिलेगी, सामाजिक लोगों की जागरूकता बढ़ेंगी, ग्रामीण वर्ग के लोग सामने आएंगे, गरीब वर्ग के लोग सोचेंगे कि नहीं, हम भी आज खड़ा हो सकते हैं। तो इसके लिए तो लड़ना पड़ेगा ना, खड़ा होना पड़ेगा, मिलकर खड़ा होते हैं। हमारी छत्तीसगढ़ के समस्त युवा भाइयों से दिलों से अनुरोध है कि कृपया करके साथ दें, यहाँ बस वर्गों में मत बांटे अपने आप को, एक दूसरे से मिलकर चलाए काम, और होगा जैसा हम चाहेंगे, क्योंकि जब आप में हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उम्मीद है सारा चीज़ अच्छा लगा, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, मैं दिल से उनसे अभी से माफ़ी मांगता हूँ, बिल्कुल उसको अन्यथा मतलब अल्टीमेट उद्देश्य है कि आरक्षण का मसला क्लियर हो, भर्ती कंटिन्यू बेसिस में चले, और नए पोस्ट आए, नए लोग सामने आए, राज्य को, राष्ट्र को एक अच्छे अधिकारी मिल सके, काबिल अधिकारी मिल सके। तो इस नोट के साथ, इस कोट के साथ मैं खत्म करता हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।